बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और हंसता मुस्कुराता रखे, और अल्लाह का शुक्र और करम है कि हम सब भी ठीक हैं। और आज आपके सामने मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। तो फ़िलहाल बाहर खड़ी हूँ, सड़क पर जाने लगे हैं हम हस्पताल। क्यों जाने लगे हैं ये भी अभी आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रेहान की जो ज़ख़म है वो अभी ठीक नहीं हुआ है, टांग जो जली थी तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है। तो एक तो उसे पट्टी वगैरह करवानी है, क्योंकि वो ना रगड़ रगड़ के ना ज़ख़म ख़राब कर लेता है। जो थोड़ा बहुत वो सही होता है दवाई लगा के, तो वो ख़राब कर लेता है, छील लेता है। तो सेकंड मैंने आज करवानी है अपनी वैक्सीनेशन। तो मुस्तफ़ा ने तो कराची से ही करवा ली थी, तो मैंने नहीं करवाई थी, तो आज मैंने भी करवानी है। तो सोचा दोनों काम जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे। तो फ़िलहाल तैयार होकर बाइक पर बैठे हैं, बस अभी जाना है। कि रिहान रो रहा था, उसे पेन हो रहा था टांग पे, तो भी फिलर दे के चुप करवाया है। तो घर में बच्चे थे, शोर कर रहे थे, तो मैं वीडियो को वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा सड़क पे खड़े होकर स्टार्ट कर लेते हैं, तो भी ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं करते हैं कि वो जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बंद ना हो जाए। तो बस जल्दी से चलते हैं अपनी वैक्सीनेशन करवा के आते हैं। और रिहान की भी मेडिसिन ले ली है, मैं अस्पताल में बैठी हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर में थोड़ा रश था, तो मैं बाहर आके बैठी हूँ। अभी बस आना है अंदर और वैक्सीनेशन करवा के बस बाहर आ जाऊँगी। दो लोग रह गए, बाद में मैं आ जाऊँगी बाहर, तो घर जाके बाकी ब्लॉग जो है बनाएंगे। अस्पताल से आते मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, मुस्तफ़ा ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। वो जहाँ पे हमने सर्दियों में भैंसों को बांधना है, तो वहाँ उनकी जगह बनाने गए थे। और स्पेशल बात ये थी कि मैंने वो वीडियो आपको बना के ज़्यादा से दिखानी थी उस ब्लॉग की, उस जगह की। तो वो जगह वही है जो हमने अपना मकान बनाने के लिए ली है। मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया था कि हमने वहाँ जगह ली है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अभी कह रहे हैं कि मकान बनाना भी स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल तो मकान नहीं बनाए, बस भैंसों का घर बना लिया है वहाँ पे। तो मुस्तफ़ा थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, अभी वो आए हैं। तो यहाँ की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मैं वीडियो कोई नहीं बना पाई। उसकी टांग में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, वो खेल रहा था बड़े को गिरा, जिसकी वजह से काफ़ी ना ब्लड निकलने लग गया था उसके काम में, जख्म काफ़ी ख़राब हो रहा है फिलहाल में। आज वो फायोडीन भी लेते हैं और सिरप वगैरह भी हैं, इंशाल्लाह वो देंगे तो अल्लाह करेगा कुछ बेहतर हो जाएगा। बाकी मेरे लोगों ने जाना था इसलिए खाना खाना बनाना था, तो इसलिए भी मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो वो लोग चले गए हैं ट्रेन से, और अभी सब लोग जो है सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने से थोड़ी सी वीडियो जो है वो बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अपना अपने घर वाला पब्लिक वीडियो हमारे लिए आई।